वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अभी हम जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें यही बात कर रहे थे कि रोज हमें लगता है कि हम एक ही डिस्कशन में कपड़े आ गए, कपड़े चले गए, कपड़े खत्म हो गए, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। खवातीन का वाकई वैसे मसला यही है, रोज सुबह उठती ना, मेरा तो हमेशा से ही प्रॉब्लम होता है। तो आज ना आप जिन खवातीन को थोड़ी प्रॉब्लम है कि शादियों के सीजन है या वैसे भी आपको किन कलर्स को इंतखाब करना है, किन कलर्स पे आपने आप अच्छी लगेंगी नहीं लगेंगी, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए हमारे साथ हमें डिज़ाइनर ने ज्वाइन किया है। नाम तो इनका है सायरा रिजवान, लेकिन सायरा जालियत के नाम से ये अपना ब्रांड चला रही है। वेलकम टू शो सायरा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जब सायरा से तो हम डिस्कशन करेंगे, उसके साथ साथ म्यूजिक भी होगा, और म्यूजिक के लिए हमें आरबी कमल ने ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा सायरा, सबसे पहले तो अपने फैशन डिजाइनिंग वाले करियर को थोड़ा सा बताएं, कब से कर रही हैं फैशन डिजाइनिंग और आगाज़ कैसे? जी एक्चुअली अभी तो मेरे ख्याल में माशाल्लाह से 4-5 साल हो गए हैं, और इट्स बीन ग्रेट जर्नी। वी स्टार्टेड विद अ स्मॉल वर्कशॉप, आई हैड ओनली वन टेलर, और उसके बाद टेलर से स्टार्ट करते डिज़ाइनिंग भी, स्केचिंग सारा कुछ, वो वन मैन शो ही था, मैं खुद ही करती थी। फिर वी एक्सपेंडेड माशाल्लाह, इस्लामाबाद में मेरे आउटलेट्स हैं, मिलान में स्टॉक करती हूँ, और मॉल में भी हैं, कराची में भी और दुबई में है, तो क्रॉस पाकिस्तान एंड लाहौर में अभी हमने 1 साल हुआ है एम्पोरियम मॉल में, सारा जटेली के नाम से 2nd फ्लोर पे आउटलेट खोला है। तो माशाल्लाह इतना अच्छा रिस्पांस आया कि अभी मेरी टीम ऑलमोस्ट 30 लोगों की है, और बहुत अच्छा लगता है कि नाउ यू आर अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम, आप उनकी फैमिलीज को भी सपोर्ट कर रहे हो। तो एक छोटा सा वेंचर जो मेरे ख्याल में सिर्फ इसलिए शुरू हुआ था, जस्ट टू किल टाइम। एग्जैक्टली बिकॉज आई एम एन एजुकेशनिस्ट, पहले मैं पढ़ाती थी यूनिवर्सिटीज वगैरह में, तो फिर देन आई स्टार्टेड कि चलो मैं घर को भी थोड़ा टाइम दूँ और कुछ ऐसा प्रोडक्टिव करूँ जो ओवरऑल बेनिफिट करे टू द नेशन ऑल्सो, ठीक है। तो मैं इस सूरत हाल में जब मैंने देखा कि हाउ आई कैन यू नो सर्व, पहले ऐसे ही स्टार्ट होता था फ्रेंड से, फैमिली से, फिर आगे लोगों ने जब अप्रिशिएट करना शुरू किया तो वी टुक इट एज अ बिजनेस, और माशाल्लाह अभी वी आर ऑन एक्सपेंशन, हम और भी आउटलेट्स वगैरह बनाने का सोच रहे हैं, एंड वी आर लुकिंग टू एक्सपेंड आवर रेंज आल्सो। जबरदस्त। अच्छा सायरा, सबसे ये भी हमें साथ साथ बताएं कि जो आपकी रेंज है या कलेक्शन है, बेसिकली फॉर्मल्स है, सेमी फॉर्मल्स है, लग्जरी है, किस तरह की? वी हैव 3 कैटेगरीज। सबसे पहले तो हैवी फॉर्मल्स आते हैं जो ओकेजन वाइज वेडिंग वेयर, निकाह, शादियाँ, उस पर भी चल सकते हैं। देन वी हैव सेमी फॉर्मल्स जो आपके इवेंट्स, बर्थडे इवेंट्स वगैरह पे, कहीं आप और इवेंट्स अटेंड कर रहे हो, गैदरिंग्स में, और देन लग्जरी प्रेट। और मेरा फोटे ज़्यादा लग्जरी प्रेट है, विच इज़ मोर बेस्ड ऑन कट्स, और कट्स एम्बेलिशमेंट थोड़ा सा होता है, दैट इट कैन गिव अ लिटिल ग्लैम लुक ओनली, और अफोर्डेबल भी है, इसीलिए क्योंकि वी नीड टू केटर टू दोज ऑडियंस जो आजकल बहुत ज़्यादा हैवी प्राइस इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, बिकॉज आजकल ट्रेंड ही ये कि एक दफ़ा ड्रेस पहना जाता है, ठीक है, एक दफ़ा ड्रेस पहना है तो वाई टू इन्वेस्ट थाउजेंड्स, यू नो इट्स हार्ड अर्न मनी। तो हम खुद भी देखते हैं जिस तरह कमाया जाता है, आपको लग रहा होता है। तो बेसिकली अगर आप पेयर करें चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट कट्स के साथ आप ले लें, कभी आप उसको गरारा के साथ पहन लें, तो वो कभी ट्राउजर के साथ पहन लेंगे तो वो एक आपका मंगनी के इवेंट का बन जाएगा, वही ड्रेस गरारा के साथ पहन लेंगे तो वो हैवी लुक में आ जाएगा। इसी तरह केप्स हैं, तो मैं इस तरह के बहुत ज्यादा चीजें बनाती हूँ जिनको आप ड्रेस अप भी कर सकते हैं, ड्रेस डाउन कर सकते हैं, अगर आपने सुबह मीटिंग में जाना है। एग्जैक्टली, क्योंकि आजकल टाइम कंस्ट्रेन भी इतना ज्यादा है, क्योंकि अभी मैं सर्दियों की बात करूँ तो ऐसा हो रहा था कि दोपहर में शादी है, उसके बाद आके जो है ना एक कोई मंगनी का इवेंट है, दुआए खैर है, तो मतलब वो एक ही दिन में इतने ज्यादा होते हैं कि आप उसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं कि अगर आपने एक नॉर्मल ड्रेस पहना, उस पर आप ज्वेलरी अच्छी सी पहन लें, दुपट्टा कैरी कर लें, और अगर आपने उधर से ही किसी और मीटिंग में जाना है तो आप उसके साथ थोड़ा गरारा वगैरह अटैच करके आप कर सकते हैं। तो मेरा फोकस इस पे ज्यादा होता है अफोर्डेबिलिटी की तरफ, कि मैं लोगों को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज एंड डिजाइन वाइज होना चाहिए लोगों को, जी, क्योंकि यू नो मार्केट भी आजकल ऐसा ही है कि ट्रेंड इज एवरीडे चेंजिंग, यू नीड टू यू नो हैव अ फुटिंग इन द बिजनेस, तो आपको कुछ ऐसा लाना है जो आप सस्टेन कर सके। अच्छा सारे कलर्स की बात करें, किस तरह के कलर्स इन है अभी? डेफिनेटली हम आपकी कलेक्शन तो देखेंगे ही, लेकिन कलर्स की भी बात करें, कट्स की बात करें, क्या लॉन्ग शॉर्ट्स हैं, बूट पैंट्स हैं, किस तरह की चीजें हैं?
आजकल जो है बड़े मजे की चीज हो गई है. पहले एक साल तक तो शॉर्ट बहुत इन था, ठीक है. अभी एकदम से अनारकलीज, विश्वास एंड द ग्रैंड लुक दे, इट हैज कम बैक एंड टू आर सरप्राइज वो बहुत ही लोगों ने अच्छी तरह पिक भी किया उसे. लेकिन कुछ लोग जो कन्वेंशनल है ना वो अभी डाइजेस्ट करने में टाइम लग रहा है कि वो वही फ्लोर लाइन दोबारा आ गई है. तो यू नो इट्स वेरी गुड. बल्कि मैं कहती हूँ जिन लोगों ने अपने कपड़े संभाले हुए थे उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करके थोड़ा फिनिश करके दोबारा से कर सकते हैं, बॉर्डर्स यूज कर सकते हैं दोबारा से अपने और ड्रेसेस पे. तो यू नो इनके ट्रेंड में तो आप कह सकते हो कि वी हैव एवरीथिंग. वी हैव वेस्टर्न में काफ्तान्स आ जाते हैं, आपके केप्स आ जाते हैं विद बूट कट्स और विद स्ट्रेट पैंट्स वो है. और ट्रेडिशनल आजकल लोग जो बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम और हर जगह आप देख लोगे द कलीदार विश्वास और लॉन्ग ड्रेसेस और सारा कुछ चल रहा है और आप सोच रहे होते हैं कि अच्छा ये पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए थोड़ा बट बहुत अच्छा क्लासी लगता है. ठीक हो गया. उसके साथ भी आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं कि ज्वेलरी आप हैवी कर लें या ज्वेलरी कम कर लें. अगर प्लेन है तो ज्वेलरी हैवी कर लें. बिल्कुल सही हो गया. वो मेरा भी आजकल इस पे फोकस आया. माय लव इज विश्वास ओनली. लवली लवली. मैं और सायरा आ चुके हैं सायरा की कलेक्शन देखने के लिए. और सायरा किस तरह की कलेक्शन लाई है ये भी हमें बताएं. एग्जैक्टली मैं दिसंबर और अभी जनवरी में जैसे शादियां वगैरह का सीजन चल रहा है तो इसलिए काम वाले ड्रेसेस भी लेकर आई हूँ. वेडिंग मेरी कलेक्शन है बादे सबा के नाम से. हैवी फॉर्मल्स हैं वो लेकर आई हूँ. फ्लोर लेंथ गाउन्स हैं रॉ सिल्क में आजकल. लवली. तो हम देखते हैं जरा ये वाला एक गाउन मुझे अच्छा लग रहा है लेडीज. एग्जैक्टली इट वाज दिस इज वेरी नाइस. रॉ सिल्क गाउन है मैक्सी है. दिस इज द फ्रंट. ओके दिस इज द फ्रंट. ये इसके पैनल्स हैं इस पे काम हुआ हुआ है और ये मेरा बहुत हॉट सेलिंग आर्टिकल रहा था. बहुत लोगों ने माशाल्लाह पसंद किया. वी हैव वैरायटी ऑफ कलर्स इन दिस और बहुत प्यारा फॉल आता है. बहुत अच्छा लगता है. आजकल ट्रेंडी भी है. और इसके साथ नेकलाइन इसलिए खाली रखी है बिकॉज वी वांट टू हैव सम माला ज्वेलरी वगैरह के लिए. तो वो किसी भी ओकेजन के लिए बहुत प्यारा बहुत बेहतर होता है. लवली लवली. इसी के साथ एक ब्लू भी हमें नजर आ रहा है. ये भी हम दिखाते हैं. अच्छा जी दिस इज वेरी नाइस. इसके हमने फ्लेयर पे थोड़ा सा काम दिया है. इसको हैवी बनाया है थोड़ा ताकि फ्रंट बैक इसके फ्लेयर पे एम्ब्रॉयडरी है और बटन डाउन है. बहुत अच्छी लुक देता है विच ओनली इयररिंग्स आप इसके साथ कुछ बहुत कैजुअल भी कर सकते हैं बहुत फॉर्मल भी कर सकते हैं. ये डिपेंड करता है. एंड वेलवेट्स आर वेरिएंट. और सारा मैं चाहूंगी ये वाला हम आपका गाउन भी दिखाएं. दिस इज वेरी नाइस. इसके बारे में बताएं. इसमें दबका कोरा और एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है. वी हैव स्टोन वर्क और इसके साथ क्या है ट्राउजर है. इसके साथ जी कैप्री पैंट्स कैप्री पैंट्स है बटन कैप्री पैंट्स हैं शॉर्ट शर्ट के साथ. तो बहुत स्लीक लुक देता है ये. और ये आप किसी भी फंक्शन पे कैरी कर सकते हैं आई गेस. चाहे बारात है चाहे कवाली नाइट है क्योंकि अब तो फंक्शंस भी इतने ज्यादा होते हैं कि आप कंफ्यूज होते हैं. यहाँ पर भी एक रेड में था कुछ ये वाला. बिल्कुल जी ये थोड़ा लवली हैवी फॉर्मल में अंगरखा स्टाइल में है. और इसके साथ ये पैंट्स है. वेरी नाइस. पैंट्स को भी पूरा और आप ये पैंट्स किसी और के साथ भी यूटिलाइज कर सकते हैं. किसी और के साथ सादा शर्ट के साथ भी आप पहन सकते हैं. और वही मैंने आपको बताया ना जैसे मैं आपको कह रही थी कि ड्रेस अप एंड ड्रेस डाउन के लिए कि आप किसी ड्रेस को किसी कॉम्बिनेशन के साथ इसे प्लेन शर्ट के साथ भी पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. और अगर इसे हैवी शर्ट के साथ पहनेंगे तो शादी के इवेंट का ड्रेस. लवली लवली लवली. अच्छा जनाब यहाँ पे हमें कुछ और भी नजर आ रहा है और ये हम देखते हैं. जी ये फ्रंट ओपन टेल है. टेल गाउन है. इसके साथ भी नीचे पैंट्स हैं. गरारा भी पहन सकते हैं. किरण का दुपट्टा. और ये किरण का दुपट्टा मैंने देखकर फॉरेन से ड्रेस क्योंकि किरण इट्स ऑल टाइम फेवरेट. किरण ने बहुत अच्छा कमबैक किया है. आजकल दुपट्टाज में बहुत ही प्यारी लग रही है किरण. और ये जब ब्राइड से लेकर आम रूटीन आप मेहंदी के फंक्शन पे माइयों पे निकाह पे यू कैन हैव दिस किरण. ये आई रिमेम्बर मेरी अम्मी की शादी के सूट पे ऐसी लगी थी. और ये जमाने में थी और आजकल दोबारा बहुत वैरायटी में आ गई. मैं दिखा रही हूँ आपको अंदर से क्योंकि मैं दुपट्टा निकाली. ये जो किरण होती है ना इसके बैक पे भी है. अच्छा मोटिव ये देखें टेल के टेल. हाँ जी तो ये यहाँ पे मोटिव आ गया. ये थोड़ा फॉर्मल लवली लवली हमारा. अच्छा जनाब जो सायरा की कलेक्शन देखना चाहते हैं वो इनको एम्पोरियम मॉल में विजिट कर सकते हैं. सेकंड फ्लोर पे बुलेवर्ड में इनका जनाब आउटलेट है. और ये भी वेलवेट में है. एक जैकेट जी वेलवेट जैकेट है. और ये भी मल्टीपर्पज है. ब्लैक पैंट्स के साथ पहने गोल्ड पैंट्स के साथ
और वो गरारे के साथ पहने, किसी के साथ भी पहने, चला ले आप, हाँ कोई टेंशन ही नहीं है जी। अगर आप वेस्टर्न करना चाहते हैं तो आप पैंट्स के साथ, पैंट्स के साथ भी पहन सकते हैं। ईस्टर्न करना चाहते हैं तो और इसके साथ सारे ये भी हो सकते हैं कि हम इसके नीचे प्लेन ब्लैक भी कर सकते हैं, जब आप इसको बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं करना चाह रहे। जी जी बिल्कुल, वो यही है कि आप इसको बहुत तरीके से आप पहन सकते हैं। कटवर्क का काम हुआ हुआ है इसमें और वेरी नाइस, वेरी स्मार्ट, और बर्ड मोटिव्स हैं, हाथ का पूरा काम है। आपको पता है हाथ के काम में कितना, वो चिड़िया की तरह एक एक चीज चुग चुग के लगानी पड़ती है, उसमें ही नफासत आती है सारा। वैसे ये जेन्युइन बात है और कुछ रह गया, ये रह गया मेरे ख्याल से ये वाला ब्लैक, इट्स शोल्डर डाउन। जी इट्स शोल्डर डाउन, और ये यहाँ से जो है ना मोटिव्स जिसमें हमने दिए हैं ब्लैक के वन कलर कॉम्बिनेशन में पिंक के शेड्स के साथ, और ऑफ शोल्डर है इसके साथ, वी हैव गरारा पैंट्स। ये देखें जी, कॉम्बिनेशन करके हम आपको दिखा देते हैं, ये देखें वेरी नाइस। ब्लैक इज ऑलवेज क्लासी, और हर जब दौर थे मोस्टली ब्लैक ब्लैक हो रहे थे और ये इस पे रहेंगे सारा। जी मैं, और इसके अलावा एक ये आजकल ये भी मेरा बहुत हॉट सेलिंग आर्टिकल गया था, वही फ्लोर लेंथ है और विद ये पूरा बॉर्डर था इसका, नेकलाइन दिया था हमने। अच्छा दिस इज हाथ का काम या पैच है ये? ये पैच है और उस हाथ का काम का कॉम्बिनेशन किया हुआ है, बिकॉज यू नो मैंने आपको जैसे बताया अफोर्डेबिलिटी के लिए, तो फिर वी हैव टू मिक्स एंड मैच थिंग्स। एग्जैक्टली अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि देखें अगर ये पूरे काम का है तो आपको पता है फिर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में जरा फर्क डिफरेंट होता है। और मेरे ख्याल से अब जो हर तरह के चल रहे हैं, बहुत हेवी भी चलते हैं और लाइट वेट भी चलते हैं, और पैच के ऊपर आजकल काम कर लें तो वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। और एक हमारे पास रेड रह गया है, इसको भी हम दिखा दें, लहंगे के साथ है, वेरी नाइस। और फॉर्मल इसमें ये शर्ट है, इसकी फ्रंट ओपन, लवली लवली लवली, ये भी मेरी न्यू कलेक्शन के अंदर से, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलें जनाब सारा की कलेक्शन हम देखिए, सारा हम उधर चलते हैं और इस पे और भी हम बात करते हैं, क्योंकि हम कलेक्शन कपड़ों की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें लग रही होती हैं कि हम ये पहनेंगे तो शायद हम इसमें ऑकवर्ड लगेंगे, बॉडी जो आपका स्ट्रक्चर है तो कट्स उस हिसाब से आप कर देती हैं, कस्टमाइज कर देती हैं लोगों को? जी जी कस्टमाइज भी करते हैं ऑर्डर पे, और जो लोग इसमें से भी अगर कह देते कि हमें थोड़ा सा लेंथ ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस वी डू टेक ऑर्डर। लवली, थैंक यू वेरी मच सायरा, बहुत शुक्रिया आपके आने का और इतनी जबरदस्त कलेक्शन जनाब। सायरा का मैंने आपको बता दिया, सायरा जेटालियट के नाम से इनका ब्रांड है, इम्पोरियम मॉल, क्योंकि वो लाहौरियन के एक्सेस में है तो आप वहां पर जा सकते हैं। और हम आपसे इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक के लिए हमारा फेसबुक पेज जरूर देखिएगा, वहां पर आप हमें फीडबैक दे सकते हैं जागो लाहौर के नाम से। और अभी हम सुनेंगे एक गाना जी, सवाल कर गई तेरी टेढ़ी टेढ़ी तकनी कमाल कर गई, अखां नाल अखां दा सवाल कर गई।